हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसर्क टेक। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि गूगल एड अकाउंट को आप कैसे डिलीट करेंगे और गूगल एड अकाउंट के अंदर जो आपका बैलेंस बचा हुआ है उसको आप कैसे रिफंड लेंगे, ये भी इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। यहाँ पे हम अपना ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रेवी ब्राउजर हमारा है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं और आपका जो गूगल एड अकाउंट है उसको आप लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है हम अपना गूगल एड अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे हम सर्च करेंगे गूगल एड। गूगल एड सर्च करने के बाद यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे गूगल एड पे, और यहाँ पे जो है हम साइन इन कर लेंगे। तो चलिए ये जो है दूसरे ईमेल से लॉगिन हो रहा है अभी। जिस ईमेल से मेरा एड अकाउंट बना हुआ है उस ईमेल को यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। जिस जीमेल से आपका एड अकाउंट बना हुआ होगा उसी जीमेल को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी उस जीमेल के अंदर जितने भी एड अकाउंट क्रिएट होंगे वो सारा आपको लिस्ट दिख जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे इस जीमेल के अंदर जो है हमारे पास 3 एड अकाउंट क्रिएट था वो यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 एड अकाउंट जो है ऑलरेडी कैंसिल है, 1 एड अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है जो कि कैंसिल नहीं है। तो चलिए ये एड अकाउंट जो है हमारा यहाँ पे दिखा रहा है जो कि ये एक्टिव है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। देखिए ये एड अकाउंट यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है और यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो एड अकाउंट है ये सस्पेंड हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा कुछ बैलेंस भी पड़ा हुआ है तो हमको वो भी रिफंड आना चाहिए, ठीक है। हम दिखा देते हैं आपको। इस टूल्स पे यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे बिलिंग वाले में आते हैं और यहाँ पे समरी पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है 1100 यहाँ पे 1200 के आसपास कुछ यहाँ पे पेमेंट हमारा यहाँ पे बचा हुआ है फंड, ठीक है। ये हमको रिटर्न भी आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हम बैक जाते हैं और जो भी एड अकाउंट है आपका उसमें आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नीचे एक सेटिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर अकाउंट सेटिंग का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे अकाउंट स्टेटस आपको दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, यानी कि इसको एक्सपेंड करना है आपको। और यहाँ पे देखिए आपको कैंसिल माई अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है, जैसे ऊपर आपको ये टूल्स एंड सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर भी आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेटअप वाले को एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा ये प्रेफरेंसेस का, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे। आप दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको बेटर लगता है, ये सबसे ईजी है टूल्स एंड सेटिंग के अंदर जाना, यहाँ से आप आसानी से आ सकते हैं। इसमें आने के बाद क्या करेंगे, हम नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए अकाउंट स्टेटस का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे एक्टिव शो कर रहा है, इसको भी हम यहाँ से एक्सपेंड करेंगे और सेम यहाँ पे हमको कैंसिल करने का यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे शो कर रहा है नीचे कैंसिल माई अकाउंट है। यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है, अगर आप एड अकाउंट को कैंसिल करते हैं तो जो भी एड आपका चल रहा है गूगल एड वो 24 आवर में ऑटोमेटिक जो है वो स्टॉप कर दिया जाएगा और जो आपका बिल है वो 60 दिन के अंदर जो है जनरेट करके आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कैंसिल माई अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए कैंसिल अकाउंट है, अगेन हम इस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है हमारा अकाउंट कैंसिल हो चुका है, दिस अकाउंट इज कैंसिल। और यहाँ पे रीएक्टिवेट करने का भी ऑप्शन मिलता है, अगर आपका माइंड चेंज होता है, आप चाहते हैं जो कि इस अकाउंट को रीएक्टिवेट कर लें तो आप इसे रीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, यहीं पे आकर के आपको ऑप्शन मिल जाएगा रीएक्टिवेट माई अकाउंट का, तो आप रीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। अभी हम आपको बता देते हैं ये बैलेंस जो था हमारा वो रिफंड कैसे आएगा। एड अकाउंट को कैंसिल जैसे कि मैंने कर चुका है, उसके बाद टूल्स एंड सेटिंग में आएंगे और यहाँ पे बिलिंग में आते हैं तो यहाँ पे समरी पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है शो कर रहा है योर एस्टिमेटेड रिफंड, जितना भी था वो यहाँ पे रिफंड हो जाएगा। कैंसिलेशन डेट यहाँ पे शो कर रहा है और ये कब तक रिफंड हो जाएगा ये यहाँ पे डेट भी शो कर रहा है। और जिस पेमेंट मेथड के थ्रू आपने पेमेंट किया होगा उसी पेमेंट मेथड पे जो है ये रिफंड कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम पेटीएम वॉलेट के थ्रू ऐड किए थे तो ये जो अमाउंट है ये पेटीएम वॉलेट में ही रिफंड कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता है, जैसे ही आप कैंसिल करेंगे वैसे ही आपका जो है रिफंड प्रोसेस में चला जाएगा। ये रिफंड होने में मैक्सिमम जो है 4 वीक का टाइम लगता है। कई बार ऐसा हो सकता है जो आपको कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं दिखे, उस केस में आपको ये श्योर होना है जो कि आपके पास एडमिन एक्सेस है या नहीं। आपके पास एडमिन एक्सेस होगा तभी आप एड अकाउंट को कैंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये एड अकाउंट को कैंसिल हुआ, ये पूरी तरीके से डिलीट हुआ नहीं। हम आपको बता दें ये एड अकाउंट पूरी तरीके से डिलीट नहीं होता है। आपको अगर 100% डिलीट करना है तो उसके लिए आपको अपना जीमेल अकाउंट ही डिलीट करना पड़ेगा तभी ये एड अकाउंट डिलीट होता है, अदरवाइज ये डिलीट नहीं होता है। इसका अल्टरनेटिव क्या है, तो जो आपका एक्सिस होगा आप उसको रिमूव कर सकते हैं और इसका एक्सिस आपके पास नहीं रहेगा, ये एक इसका सलूशन है। तो ये हम बता देते हैं आपको कैसे आप जो है एक्सिस यहाँ पर रिमूव करेंगे। तो अभी हम इस एड अकाउंट में आपको नहीं करके दिखाने वाले हैं,
क्योंकि इस अकाउंट को हो सकता है मे बी हमको रीएक्टिवेट भी करना हो, हम दूसरे एड अकाउंट में आपको दिखा देते हैं कैसे इसको एक्सेस जो है वो आप रिमूव करेंगे। चलिए ये यहाँ पे देखिए ये कैंसिल एड अकाउंट ऑलरेडी है, इस पर हम क्लिक कर रहे हैं। देखिए ये एड अकाउंट यहाँ पे जो है ओपन हो चुका है जो ऑलरेडी कैंसिल किया हुआ था पहले से। तो इसमें एक्सेस रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन टूल एंड सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे सेटअप वाले को जो है एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पे एक्सेस एंड सिक्योरिटी का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे एक्सेस लेवल एडमिन यहाँ पे शो कर रहा है। ऑप्शन के अंदर आपको रिमूव एक्सेस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके जो है आप एक्सेस जो आपका है इसको रिमूव कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान देना होगा, आप एक्सेस तभी रिमूव कर पाएंगे जब कोई दूसरा एडमिन आप यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, तभी आप अपना एक्सेस जो है रिमूव कर पाएंगे। एक एडमिन जो है हमेशा गूगल एड अकाउंट में रहेगा, उसके बाद ही जो है आप अपना एक्सेस जो है रिमूव कर सकते हैं। एडमिन ऐड करना हो तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके जो है आप एडमिन भी ऐड कर सकते हैं, उस किसी दूसरे ईमेल को आप चाहें तो इसमें इन्वाइट कर सकते हैं और आपका जो मेन ईमेल है उसको आप यहाँ से एक्सेस रिमूव कर सकते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा जो कैसे आप अपना एड अकाउंट डिलीट करते हैं या कैंसिल करते हैं और जो आपका बैलेंस एड अकाउंट में पड़ा हुआ है उसको आप कैसे रिफंड ले पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच।